ऐसा नहीं कर सकती क्या? जैद यहाँ है? जैद तो सो रहा है, उसे डिस्टर्ब मत करो। गैर मेरे किस काम के? उसने बदतमीजी की है मुझसे। बदतमीजी? प्लीज खुल के बोलो क्या हुआ? His behavior was quite inappropriate. Aira, you know what you're saying? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बेबी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, I'm sure. यार मैं कोई स्कूल की बच्ची नहीं हूँ। उसका बिहेवियर क्लियर था। आयरा, कश्माला का शौहर है वो, कश्माला मेरी बहन है। इसलिए उसे सब माफ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यार, मैं बस ये शायद मेरी यूनिवर्सिटी में लड़कियों के साथ साथ लड़कों से भी दोस्ती रही है। आई नो जब एक लड़का फ्रैंक होता है तब वो लिमिट क्रॉस करे और रियल रिलैक्स में हूं ना, आरा में हूं ना, फिगर आउट करता हूं। प्लीज तब तक बाबा से कोई बात ना करना, प्लीज। नहीं करूंगी, किसी से कुछ नहीं कहूंगी। सुना है एफ जी ग्रुप की तरफ से उनका प्रोजेक्ट तुम लीड कर रही हो? ठीक सुना आपने, बहुत कम अरसे में बहुत कुछ हासिल कर लिया तुमने। नहीं थैंक्स। फखर जमान, बहुत ट्रस्ट करने लगे तुम पर, ऐसा ही है ना? वैसे कोई मार्केट एनालिसिस भी किया? आई मीन कोई फिजिबिलिटी वगैरह या बस ऐसे ही? अंकल, आपने ही कहा था नो बिजनेस टॉक्स एट होम, अब आप खुद ही फिर। गुड वन। चलो वैसे भी ये प्रोजेक्ट तो हमारे पास ही आना है, इस पर डिस्कशन कैसे? जैद कहाँ है? कहाँ है जैद? कहाँ है जैद? वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हें पता होना चाहिए ना कि कहाँ है। आप इतने गुस्से में क्यों हैं? इसलिए कि तुम लोगों ने सोच लिया है कि मुझे मेंटल स्ट्रेस दे दे के तुम लोग नर्वस रैक बना दोगे। एक तुम हो कि तुमसे अपना हस्बैंड कंट्रोल नहीं होता, और एक वो बेवकूफ बेटा मेरा जो उस लड़की के इश्क में गिरफ्तार हुआ, उसको जरा भी एहसास नहीं कि उसकी बीवी की वजह से मेरे अरबों का नुकसान हो सकता है। ये आयरा से इतने इनसिक्योर क्यों हो रहे हैं? What? ठीक ही तो कह रही हूं, आयरा को बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, और हमारे मार्केटिंग हेड वो हैंडसम सैलरी लेने वाले तजुर्बेकार हैं, और उनकी टीम हाईली क्वालिफाइड। पता नहीं आपके दिल में आयरा का डर क्यों बैठ गया है। मुझे आयरा का डर नहीं है, बल्कि मुझे उस शर्मिंदगी से डर लग रहा है
कि अगर कॉन्ट्रैक्ट उसको मिल गया तो डबल शर्मिंदगी होगी। नहीं मिलेगा, ये मुबशरा जाफर का आपसे वादा है, कॉन्ट्रैक्ट तो हमें ही मिलेगा। वैसे आपने बताया नहीं, कहां गया है जहर? आ रही हूं। Can I? हाँ। बैठ जाओ। क्या देख रही हो? कुछ नहीं, तुम चाहो तो जो चाहे लगा लो, अब वो रहा रिमोट। कंफर्टेबल होके बैठ सकते हो? हाँ बिल्कुल। नहीं कर सकती क्या? जैदिया है? जैद तो सो रहा, उसे डिस्टर्ब मत करो। जैद मैं आहिस्ता बोलो, सो रहा है। जैद, जैद तो जैद तो तुम अपने कमरे में चल के सोने। ये भी मेरा ही कमरा है, प्लीज जाओ सोने दो। सो सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। बंद कर लूं कमरा।
चला? क्या मतलब? कब जागी? सोई कहाँ थी मैं? सॉरी, मैं यहाँ था, नींद कैसे आती है, अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। एक्चुअली मैं ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रही थी, इसलिए नींद ही नहीं आई। ऑफिस जाने देर हो रही है। जैद, अब कब आओगे? वो कॉफी पीने। ठीक है, मैं बाद में। हेलो, बिजी तो नहीं? ऑफिस में हर कोई बिजी होता है आयरा। लेकिन लंच का टाइम तो होगा ना तुम्हारे पास, क्या ख्याल है? सोच लो भाई, तुम्हारे बॉसेस को बुरा ना लगे। जैद, तुम रात वाली बात को लेके अब तक नाराज हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, इसीलिए तो जल्दी से प्रेजेंटेशन बना के सबसे पहले मैंने तुम्हें कॉल किया, तुम्हें मनाने के लिए। तो ये ख्याल तुम्हें पहले नहीं आया? एक बात सुनो जैद, अगर ये रूट ना मनाना ना हो तो वो कॉल तुम्हारे जिंदगी में चाम कहाँ रहेगा? क्या कहते हो, लंच पे चलें? आ रहा हूँ। लवली,